एक लड़की है दीवानी सी, खुलकर बात क्या करती, चोरी चोरी नहीं, चुपके चुपके नहीं, हर बात लिखा करती है। बहुत कुछ कहना है शायद उसको, हर बात दिल खोल कर कहती है। जब भी मिलती है सोशल मीडिया पर तो गैंग के होश उड़ाया करती है। हर कोई पूछता है उससे, बताओ किस मुद्दे पर काम किया करते हैं, सिर उठाकर बोला करती है, राष्ट्रवाद राष्ट्रवाद राष्ट्रवाद। कंगना रनौत पर सवाल पूछने वाले देख लो ध्यान से। कंगना का ये ट्वीट बताने के लिए काफी है कि बॉलीवुड की इस शेरनी से सीआर क्यों भागे भागे फिर रहे। हर उस चेहरे ने खुद को कंगना के डर से छुपा रखा है जिस पर नेपोटिज्म का आरोप है। कंगना के हिम्मत की दाद देनी चाहिए जिसने बड़े बड़े प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और एक्टर के चेहरे से चकाचौंध वाली झूठी परत हटा दी। बड़े घरों के इन एक्टरों ने बॉलीवुड को अपनी बपौती मान ली थी, लेकिन कंगना ने जब औकात बताई तो हर कोई सन्नाटे में छिप गया। तभी तो बॉलीवुड के उस गैंग को कंगना ने ट्विटर के जरिए जवाब दिया। बेबाक कंगना ने लिखा, बॉलीवुड वालों का कहना है कंगना अपने एजेंडा के चलते ट्विटर पर आई। आज मैं ये साफ कह देना चाहती हूँ कि हाँ, मेरा एजेंडा है राष्ट्रवाद राष्ट्रवाद राष्ट्रवाद। कंगना का पहला राष्ट्रवाद बॉलीवुड के उस गैंग के लिए जिन्हें इस देश में ज्यादा दिक्कत लगती है, जिनकी सोच खानदानों के आगे बढ़ ही नहीं रही। कंगना का दूसरा राष्ट्रवाद बॉलीवुड के उन प्रोड्यूसर डायरेक्टरों के लिए है जो शूट करने तुर्की तक तो चले जाएंगे लेकिन अपने देश से ही अरबों खरबों कमाएंगे। वही कंगना का तीसरा राष्ट्रवाद उन लोगों के मुंह पर तमाचा है जो बाहरी लोगों को इंडस्ट्री में टिकने देना नहीं चाहते, जो उनकी जान तक ले लेते हैं। कंगना ने इस ट्वीट से बता दिया कि वो किस वजह से ट्विटर पर आई। तभी तो जब ऐलान किया तो एक वीडियो भी डाला। नमस्कार दोस्तों, मुझे फिल्मों में काम करते हुए करीब 15 साल हो गए हैं और इन 15 सालों में ऐसे बहुत सारे मौके आए हैं जब मुझ पे बहुत प्रेशर रहा है कि मैं सोशल मीडिया ज्वाइन करूं। एजेंसी जानते हैं कि ब्रांड्स ये जानते हैं कि अक्सर ऐसे मौके आए जब करोड़ों की डील्स जहां पे सिर्फ एक ही क्लॉज था कि मुझे सोशल मीडिया पे आना पड़ेगा, लेकिन मैंने जाने दी है। जगह मैं चुड़ैल हूं और मेरे पैर उल्टे हैं, इस बात का फायदा उठाया कि मैं सोशल मीडिया पे नहीं हूं, मगर फिर भी मैंने कभी सोशल मीडिया पे मैं आई नहीं क्योंकि मुझे कभी अपने ऑडियंस से वो दूरी महसूस नहीं हुई और मुझे लगा कि अगर मुझे कुछ कहना है तो मैं रूडिमेंट्री वे में क्यों कहूं। मैं फिल्मों के जरिए मैंने वुमन एम्पावरमेंट के बारे में इतना कुछ कहा, मैंने नेशनलिज्म के बारे में इतना कुछ कहा, तो मैं आर्टिस्टिक तरीके से कहूंगी, मैं डायरेक्टली ऐसी रूडिमेंट्री वे में क्यों कहूं, मैं तो आर्टिस्ट हूं। तो मेरा हमेशा ये एक इसके बारे में नजरिया रहा है। मगर दोस्तों, इस साल जो मैंने देखा है, मैंने पहली बार सोशल मीडिया की पावर देखी है और मैंने देखा है कि कैसे सारा विश्व एक साथ आके हम सब सुशांत के लिए हम लोगों ने जिस तरह से फाइट किया और उसमें सफलता पाई है, इससे मुझे बहुत उम्मीदें हो गई है। मुझे बहुत आशाएं हैं कि हम सब मिलके इस तरह से जो भी हम न्यू इंडिया के लिए रिफॉर्म्स चाहते हैं उसके लिए आवाज उठा सकते हैं। और इसलिए इस महीने मैंने सोशल मीडिया पे फॉर द फर्स्ट टाइम आई हैव कम ऑन ट्विटर एंड आई एम सो एक्साइटेड एंड मुझे आपका सहयोग चाहिए एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस जर्नी जहां पे इतने सारे अमेजिंग लोग हैं और उनको जानने का मौका मिल रहा है और एक नए रिश्तों की शुरुआत हो रही है। तो बहुत बहुत धन्यवाद फॉर दिस अपॉर्चुनिटी एंड आई लुक फॉरवर्ड टू ग्रेट टाइम बीइंग हियर। कंगना रनौत सुशांत के मामले में खुलकर अपनी बात कह रही और तो और सुशांत की मौत पर सबसे ज्यादा सोशल मीडिया पर इंसाफ की मांग करने वाली कंगना ही थी जिनकी वजह से आज सुशांत को हर कोई न्याय दिलाना चाहता है। कंगना बॉलीवुड के लिए एक मिसाल है जो अब चाहती है कि सिस्टम से गंदगी साफ हो और हर एक आम से लेकर खास तक जिसके पास टैलेंट हो वो काम करे, ना कि कुछ लोग ये तय करें कि इस इंडस्ट्री में काम किसे करना है। आप भले ही कंगना को सपोर्ट ना करें, आप भले ही कंगना का विरोध करें, लेकिन आप कंगना को इग्नोर नहीं कर सकते।